नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान पीएम किसानों के प्रदर्शन को लेकर विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके चला रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन्होंने किसानों से झूठ बोला वही कर रहे किसानों का इस्तेमाल। साथ ही कहा कि सरकार ने किसान, श्रमिकों और युवाओं के हित में ऐतिहासिक फैसले किए हैं। कृषि बिलों के विरोध में किसान संगठनों ने बुलाया भारत बंद। रेल रोकने का किया ऐलान। कई राज्यों के किसानों ने भारत बंद को समर्थन देने का ऐलान किया है। इससे पहले पंजाब में 3 दिवसीय रेल रोको अभियान की शुरुआत गुरुवार से हुई थी। किसान रेलवे ट्रैक पर डटे हुए हैं और बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बिहार में कृषि बिल के विरोध में आरजेडी का प्रदर्शन। किसानों के साथ सड़कों पर उतरे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव। कृषि बिलों को वापस लेने की मांग। प्रदर्शन के दौरान तेजस्वी यादव ट्रैक्टर चलाकर विरोध में शामिल हुए और इस दौरान तेजस्वी ने कहा कि सरकार ने किसानों को कठपुतली बना दिया। पंजाब में किसानों के चक्का जाम के ऐलान के बाद आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। किसानों के विरोध के चलते दिल्ली चंडीगढ़ बस सेवा भी बंद रही। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बिहार में 28 अक्टूबर से 3 चरण में चुनाव होंगे। 28 अक्टूबर को पहला चरण, 3 नवंबर को दूसरा चरण और 7 नवंबर को तीसरे चरण का चुनाव होगा और चुनाव के नतीजे 10 अक्टूबर को आएंगे। चुनाव आयुक्त ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि बिहार में वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक होगी और एक बूथ पर 1000 मतदाता वोट डालेंगे। कोरोना से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। चुनाव आयुक्त ने बताया कि चुनाव संपन्न करवाने के लिए 7 लाख सैनिटाइजर, 1 लाख फेस शील्ड का इंतजाम किया गया। पूरी दुनिया में कोरोना ने जमकर कोहराम मचाया है। कुल मरीजों का आंकड़ा 3,24,00,000 के पार पहुंच गया। अब तक 9,87,742 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में कोरोना से लोगों का बुरा हाल है। अब तक सामने आए कोरोना के 71,85,471 मरीज। कोरोना से गई 2,07,000 से ज्यादा लोगों की जान। ब्राजील में कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 46,59,909 हो गया। ब्राजील में अभी भी 4,96,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। रूस में कोरोना की रफ्तार पर नहीं लग रहा ब्रेक। लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 11,28,000 से ज्यादा। अब तक 9,29,829 मरीज रिकवर हुए। स्पेन में कोरोना मरीजों की लगातार संख्या बढ़ रही है। अब तक सामने आए 7,04,000 से ज्यादा मरीज। कोरोना से गई 31,118 लोगों की जान। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। लगातार बढ़कर मरीजों का आंकड़ा हुआ 6,67,000 के पार। अब तक 16,283 की मौत। पाकिस्तान में कोरोना से गई 6,444 लोगों की जान। अब तक सामने आए कोरोना के 3,09,000 से ज्यादा मरीज। देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 85,919 नए मामले। कुल मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 58,16,000 के पार। अब तक 92,317 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। कुल मरीजों की संख्या 12,82,963 तक पहुंच गई। अभी भी 2,74,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। कोरोना के मामलों में दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। अब तक सामने आए 6,54,000 से ज्यादा मरीज। कोरोना के चलते 5,558 मरीजों की जान गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। कुल मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 3,74,000 के पार। अब तक 3,07,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में फिर चरम पर कोरोना। एक दिन में सामने आए 3,834 नए मरीज। 36 लोगों की मौत हुई। पंजाब में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में 76 लोगों ने गंवाई जान। कुल मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1,05,220 तक। देश में कोरोना के 1,698 मामले सामने आए। कुल आंकड़ा 1,18,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 22 लोगों की भी मौत हुई। 98,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए।
पंचकुला में कोरोना के 107 नए केस मिले हैं, जिनमें से 101 मरीज पंचकुला से है, जबकि 6 बाहरी इलाकों से 4 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हुई है। पंचकुला में मौत का आंकड़ा 76 तक पहुंच चुका है। सिरसा में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो गई, जिले में मौत का आंकड़ा 55 हो गया। 100 नए केस भी मिले, जिसके बाद कोरोना आंकड़ा 3355 हो गया, जिसमें से 824 केस एक्टिव। करनाल में 58 नए कोरोना के पॉजिटिव केस मिले, 268 मरीजों ने कोरोना से जंग जीती और इसके बाद जिले में 1252 केस एक्टिव हुए। नूह में पिछले 24 घंटों में 8 नए केस सामने आए, 5 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। जिले में अब तक 95 केस एक्टिव हैं, 1058 केस मिल चुके हैं, जिसमें से 942 मरीज ठीक हो चुके हैं, 21 मरीजों की जान गई। नूह में अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे पहले लोगों को कोरोना का टेस्ट करवाना होगा, इसके बाद इलाज किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस पहल को अभी सभी के लिए अनिवार्य कर दिया है। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और स्वास्थ्य शिक्षा पर जोर दे रही है। साथ ही सीएम ने कहा कि हरियाणा में सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री का दिल्ली का दौरा, आज कई केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। संगठन विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर के हो सकती है चर्चा। चंडीगढ़ में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में ग्रामीण विकास को लेकर के सरकार का जोर है। कृषि मंत्री ने कहा कि धान की 1121 किस्म की खरीद को लेकर के सरकार प्रतिबद्ध है और मंडियों में फसल खरीद की पूरी व्यवस्था है, साथ ही धान की खरीद भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा जेपी दलाल ने कहा कि बड़ौदा में पेयजल की समस्या, जिसे जल्द खत्म किया जाएगा। सरकार ने बड़ौदा हल्के में IMT लगाने को मंजूरी दी है। रोहतक में किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। किसानों ने रेल रोकने का ऐलान किया था। किसानों के रेल रोक को ऐलान के चलते किसानों ने रोहतक में झज्जर रोड को जाम कर दिया और किसानों ने सरकार से कृषि बिलों को वापस लेने की मांग की है। जींद में भारतीय किसान यूनियन ने जींद हिसार सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। रोड पर तंबू गाड़कर धरना और प्रदर्शन लगातार किसान कर रहे हैं, जिससे रोड पर आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। किसानों का यह कहना है कि सरकार कृषि से जुड़े बिलों को वापस लें। उधर रानिया में भारत बंद के चलते विपक्षी पार्टियों ने मुख्य बाजार को बंद करवा दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने किसान और व्यापारियों के हित में जोरदार नारेबाजी की है। अंबाला में कृषि बिलों को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने भारत बंद का ऐलान किया, लेकिन अंबाला में मौजूद एशिया की सबसे बड़ी होलसेल कपड़ा मार्केट में इसका मिला जुला असर देखने को मिला। भारत बंद को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि सभी व्यापारी दुकानें बंद रखकर किसानों का साथ दें, लेकिन कई जगह पर व्यापारियों ने अपनी दुकानें इसके बावजूद भी खोली। कुरुक्षेत्र में किसानों के बंद के मद्देनजर हरियाणा पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं। बंद को देखते हुए 7 कंपनियां जिले में तैनात की गई। इसके अलावा जाम लगने की स्थिति में रूट को डायवर्ट करने के भी निर्देश दिए गए हैं। कृषि बिलों के विरोध को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर पलटवार किया। कहा कि MSP पहले से लागू है और इसे खत्म करने की बात किसी ने नहीं की, ऐसे में नया कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का इस्तीफा मांगने वालों को भी विज ने जवाब दिया। विज ने कहा कि पंजाब को हमारी राजनीति से क्या लेना देना, दुष्यंत ने कृषि अध्यादेशों को सराहा है, सिर्फ कुछ लोग अब इसे मुद्दा बनाकर तमाशा करना चाहते हैं। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हांसी में 25 करोड़ की लागत से तैयार किए गए रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। कहा कि सांसद रहते हुए हांसी के विकास के लिए उन्होंने जो सपने देखे थे, आज उन्हें साकार होता देखकर बेहद खुशी का अनुभव हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के बावजूद सरकार ने प्रदेश में विकास की गति को रुकने नहीं दिया। प्रदेश में 53 जगहों को छोड़कर बाकी सभी रेलवे मार्गों को फाटक रहित किया जा चुका है। इस साल के अंत तक प्रदेश में कोई भी फाटक युक्त रेलवे मार्ग नहीं रहने दिया जाएगा। चंडीगढ़ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान कृषि बिलों को लेकर धनखड़ ने कहा कि कृषि बिलों पर शंका और भ्रम पैदा किया गया है। धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस ने अपने ही घोषणा पत्र और अपनी बनाई कमेटियों की रिपोर्ट और भाषणों का विरोध किया। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद भी कांग्रेस ने सत्ता में रहकर उसे लागू नहीं किया।
अंबाला में इनेलो के नेता अभय चौटाला ने डीसी के जरिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अभय चौटाला ने कहा कि सरकार ने अगर अध्यादेश वापस नहीं लिए तो प्रदर्शन जारी रहेंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं। अभय चौटाला ने कहा कि पहले 25 सितंबर से खरीद शुरू होने वाली थी लेकिन अब 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। अगर इस समय बारिश आ गई तो इससे किसानों का नुकसान होगा। सरकार को गांव-गांव जाकर किसान की धान खरीदनी चाहिए। अभय चौटाला ने कहा कि चौधरी देवीलाल ने किसानों के मुद्दे पर कई पद त्याग दिए थे लेकिन सत्ता में बैठे रंजीत सिंह और दुष्यंत चौटाला सत्ता के लालच में चौधरी देवीलाल की नीतियों पर कुठाराघात कर रहे हैं। रादौर में कृषि बिलों के समर्थन में पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने किसानों के साथ निकाली ट्रैक्टर रैली। इस दौरान कर्णदेव कंबोज ने कहा कि कृषि बिलों का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो सत्ता के लालची हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कृषि बिलों को लेकर सांसदों की एक कमेटी बनाई गई थी और किसान संगठनों समेत सभी राजनीतिक दलों से बिलों को लेकर सुझाव मांगे गए थे लेकिन किसी ने कोई सुझाव नहीं दिया। सिरसा में बीजेपी जिलाध्यक्ष आदित्य चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कृषि अध्यादेश न सिर्फ किसान के हित में बल्कि इसमें व्यापारियों का भी ख्याल रखा गया, इससे किसान खुशहाल और विकसित होगा। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा चुनाव के समय गरीबी हटाओ का नारा देकर लोगों को गुमराह किया, अब अध्यादेशों को लेकर किसानों को बरगलाने का काम कांग्रेस कर रही है। पलवल में कृषि बिलों को लेकर किसानों में खुशी की लहर। किसानों ने कहा कि कृषि अध्यादेशों से देश में किसान अपनी फसल और उत्पाद को कहीं पर भी बेच सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती पर बल्लभगढ़ के अनाज मंडी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें पूर्व मंत्री और जेजेपी के वरिष्ठ नेता हर्ष कुमार ने शिरकत की। इस रक्तदान शिविर में 107 यूनिट रक्त इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया। सिरसा में पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल की 107वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राधे श्याम शर्मा और जिलाध्यक्ष सरजीत सिंह ने ताऊ देवीलाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। कृषि अध्यादेशों को लेकर रतिया में खेत बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले कृषक जागरूक सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें कृषि वैज्ञानिकों किसानों और आढ़तियों ने हिस्सा लिया। कई सामाजिक संगठन भी सेमिनार में शामिल हुए। सेमिनार में कृषि अध्यादेश पर जमकर चर्चा की गई। इसे घातक बताया गया। समिति के अध्यक्ष ने कहा कि किसी भी सूरत में कृषि अध्यादेश कानून लागू नहीं होने देंगे। रतिया में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कृषि अध्यादेश पर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल का अपने पद से इस्तीफा देना ड्रामा है। पीएम को पत्र लिखकर मांग की कि कृषि बिल को वापस लिया जाए। फरीदाबाद के जेसी बोस वाईएमसीए यूनिवर्सिटी में नए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और शोध के क्षेत्र में रोजगार के लिए छात्रों की बढ़ती मांग को देखते हुए अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास के साथ अकादमिक क्षेत्र में मिलकर काम करने के लिए एक समझौता किया गया है। इस समझौते के तहत रणनीतिक साझेदारी अनुसंधान सहयोग शिक्षकों और छात्रों के लिए एक्सचेंज कार्यक्रम के अलावा ड्यूअल डिग्री पाठ्यक्रम भी शुरू किया गया। यमुनानगर में बाड़ी माजरा में सीएम फ्लाइंग के दे में ग्लू बनाने वाली दो फैक्ट्रियों में छापेमारी की। इस दौरान सीएम फ्लाइंग के साथ कृषि विभाग और पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग की टीम भी मौजूद थी। बताया जा रहा है कि दोनों फैक्ट्रियां अवैध रूप से चलाई जा रही थीं जिनमें ग्लू बनाने के लिए कृषि में इस्तेमाल होने वाला यूरिया इस्तेमाल किया जा रहा था। रेड के दौरान जब अधिकारियों ने फैक्ट्री मालिकों से लाइसेंस मांगा तो फैक्ट्री के मालिक लाइसेंस नहीं दिखा पाए। सिरसा में रोडवेज तालमेल कमेटी के बैनर तले रोडवेज कर्मचारियों ने बस अड्डा परिसर में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया। इन कर्मचारियों का कहना है कि दीपो के मैकेनिक की कोरोना से मौत हुई है, उसके परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। पलवल में रोडवेज कर्मचारियों की मौत के मामले में मृतक के परिजनों को मुआवजा देने और रोडवेज कर्मचारियों को सुरक्षा उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर के कर्मचारियों ने हरियाणा राज्य परिवहन के महानिदेशक के नाम ज्ञापन दिया है। दीपक प्रधान ने कहा कि कर्मचारियों को 5,000 रुपए प्रति महीना जोखिम भत्ता तुरंत लागू किया जाए ताकि संकट की घड़ी में विभाग के सभी कर्मचारी भविष्य में भी बढ़ चढ़कर योगदान दें और उत्साहित होकर काम करें। कोरोना के महामारी के बीच राशन डिपो होल्डर उपभोक्ताओं पर अत्याचार कर रहे हैं। फरीदाबाद के 2 डिपो होल्डर्स पर गंभीर आरोप लगे हैं। उपभोक्ताओं ने कहा कि राशन डिपो होल्डर उन्हें पूरा राशन नहीं देते और विरोध करने पर बदतमीजी करते हैं।
खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के माने तो उन्हें मीडिया के जरिए दोनों डिपो होल्डर्स की मनमानी की शिकायत मिली, इसकी अब जांच करवाएंगे। अगर दोषी पाए गए तो डिपो होल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पलवल के होटल में नगर परिषद की ओर से डाले जा रहे कूड़े के ढेर में हर समय आग लगी रहती है, जिसमें हानिकारक धुआं निकलता रहता है। नगर परिषद अधिकारी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। राहगीरों का कहना है कि कूड़ा नगर परिषद जोहड़ में भी डाल रहा है, जबकि सरकार जोहड़ों को साफ करने में लगी है। आसपास रहने वाले लोग कूड़े के धुएं की वजह से परेशान है, कई बार शिकायत भी की गई। पलवल में गांव विघावली पंचायत से अकबरपुर नाटोल गांव की पंचायत को अलग करने को लेकर के अकबरपुर नाटोल के लोगों ने लघु सचिवालय पर धरना दिया और प्रदर्शन किया। अलग पंचायत नहीं होने से ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करने की भी चेतावनी दी। इन ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच हमेशा बिघवाली गांव का होने की वजह से हमारे गांव में विकास के काम नहीं हो पाते। गांव के 80% लोग एकजुट हैं, सभी की सहमति से अलग पंचायत बनाने का फैसला किया गया है। नूह के फिरोजपुर छिड़का में रास्ते में गंदा पानी और कीचड़ जमा होने से लोगों का दुश्वार हो रहा है निकलना। ग्रामीणों का आरोप है कि समस्या के समाधान के लिए मार्केट कमेटी के अधिकारियों से कई बार मिले, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया गया। फरीदाबाद के आदर्श नगर थाना इलाके में युवक को चाकू से गोदकर हत्या करने का मामला सामने आया। परिजनों ने कहा कि आरोपी इस मामले में गवाही देने से रोकना चाहते हैं। परिजनों ने बताया कि करीब 3 महीने पहले कुछ लोगों ने घायल युवक के मामा की भी चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया। किसान ने बताया कि वे ऋण की किस्त नियमित रूप से भर रहा था, लेकिन पिछली बार फसल खराब होने की वजह से किस्त नहीं दे सका। अब जीरी की फसल उठ जाने के बाद किस्त दे देगा। कंपनी ने बिना सूचना दिए उससे ट्रैक्टर छीन लिया है। पानीपत के सेक्टर 25 में मौजूद मित्तल मॉल में चल रहे देह व्यापार के गोरखधंधे का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस की रेड के दौरान स्पा सेंटर से एक दर्जन से ज्यादा लड़कियां मिली जो कि देह व्यापार में शामिल थीं। इसके अलावा स्पा सेंटर से पुलिस ने कई आपत्तिजनक चीजें भी बरामद की। गुरुग्राम पुलिस ने अवैध विदेशी शराब पकड़ी, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया जो कि दिल्ली से अवैध शराब लेकर आया था। रेवाड़ी में महिला चौकी इंचार्ज को झगड़े में जाना भारी पड़ गया। दरअसल चौकी इंचार्ज सुशीला सिपाही के साथ भुडला गांव पहुंची थी, जहां से झगड़े की सूचना मिली थी। इस दौरान शिकायत करने वाली महिला ने न केवल चौकी इंचार्ज से मारपीट की बल्कि उन्हें घायल भी कर दिया। भिवानी के विकासखंड कार्यालय में हरियाणा राज्य आजीविका मिशन के तहत फर्जी तौर पर भर्ती करने का मामला सामने आया, जहां पर एक निजी कंपनी ने बिना किसी विभाग की मंजूरी के युवाओं को नौकरी देने के नाम पर साक्षात्कार लिए और नौकरी के एवज में पैसों की डिमांड की। वहीं जब निजी कंपनी के कर्मचारी से पुलिस ने पूछताछ की तो कर्मचारी ने माना कि बिना किसी विभाग की मंजूरी के नौकरी देने के लिए शिविर का आयोजन किया गया था। हांसी के एक बड़े व्यापारी से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोपी ने कई बार व्यापारी को फोन किया और 1 करोड़ का इंतजाम करने की धमकी दी। पानीपत में पुलिस ने पत्नी सास और साली की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पहचान छिपाने के लिए शवों को जलाकर फेंक दिया था। आरोपी ने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। रोहतक में 18 साल के युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 10 घंटे में ही खुलासा कर दिया। युवक की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके दोस्त ने ही की थी। युवक का शव राजीव गांधी स्टेडियम के पास झाड़ियों में मिला था। सिंगर एसपी बाला सुब्रमण्यम का निधन हो गया है। 5 अगस्त को एसपी बाला सुब्रमण्यम को कोरोना से संक्रमित होने के बाद चेन्नई के एमजीएम हेल्थ केयर में भर्ती किया गया था, जहां पर उनका इलाज चल रहा था। उन्होंने आखिरी सांस ली। सलमान खान ने ट्वीट करके बाला सुब्रमण्यम के ठीक होने की पहले दुआ मांगी थी। अब उनके निधन पर फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। फिल्म श्रीदेवी बंगलो का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। फिल्म में प्रिया प्रकाश वॉरियर श्रीदेवी की भूमिका में नजर आने वाली है और वॉरियर की डेब्यू फिल्म है। फिल्म में मेन रोल में प्रिया प्रकाश वॉरियर और अरबाज खान नजर आएंगे। 48वें इंटरनेशनल एमपी अवार्ड्स के नॉमिनेशन जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से भारत की 2 वेब सीरीज ने भी जगह बनाई है। दिल्ली क्राइम और प्राइम वीडियो की सीरीज फॉर मोर शॉर्ट्स प्लीज को नॉमिनेट किया गया। वहीं वेब सीरीज मेड इन हेवन फिल्म एक्टर अर्जुन माथुर को बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है।
प्रिया प्रकाश वारियर ने हाल ही में अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें प्रिया प्रकाश फिल्म ए दिल है मुश्किल का मशहूर गाना चन्ना मरिया गा रही हैं। दीपिका चिखलिया टोपीवाला फिल्म दीनदयाल एक युग पुरुष से बड़े पर्दे पर वापसी करने वाली हैं। फिल्म को मनोज गिरी डायरेक्ट कर रहे हैं, रेशम साहू प्रोड्यूस करेंगे। नोरा फतेही अपने डांस से स्टेज पर खूब तहलका मचाती हैं। नोरा एक थ्रोबैक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनका वीडियो नोरा फेविकोल सॉन्ग पर धमाकेदार बेली डांस करती हुई नजर आ रही है। नेहा पेंडसे एंड टीवी के फेमस कॉमेडी शो भाभी जी घर पर हमें नजर आने वाली हैं। नेहा पेंडसे शो में सौम्या टंडन को रिप्लेस करने वाली है। उर्वशी रौतेला का एक थ्रोबैक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें उर्वशी रौतेला ठुमका सॉन्ग पर डांस कर रही हैं। संजय दत्त की तीसरी कीमोथेरेपी 30 सितंबर से शुरू होने वाली है। इसके लिए संजय दत्त का मुंबई में रहना जरूरी है। हाल ही में पत्नी मान्यता के साथ संजय दत्त बच्चों से मिलने के लिए दुबई गए हुए हैं। माधुरी दीक्षित का एक डांस वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें माधुरी थम्मा थम्मा सॉन्ग पर जोरदार डांस से फैंस का दिल जीत रही है। माधुरी दीक्षित के इस डांस वीडियो को यूट्यूब पर 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है।